नमस्कार। और मेरे YouTube चैनल पे आज के विशिष्ट अतिथि हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं। योगीवीर पहाड़ी पे हम आ चुके हैं, हमारा कैमरा आ चुका है यहाँ पे आज के कार्यक्रम को कवरेज के लिए। दोस्तों, ये जो योगीवीर पहाड़ी है, 18 भुजा वाली माँ का मंदिर है। यहाँ पे बताया जाता है कि ये दूसरा ही मंदिर है, इसके अलावे और भी पूरे देश भर में 18 भुजा वाली माँ का कोई तीसरा मंदिर नहीं है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सत्य है। इसके पीछे का इतिहास जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ये योगी वीर हनुमतपुरी पहाड़ी के नाम से है, जहाँ एक योगी वीर नाम के संत पुरुष यहाँ आए थे, वो संत यहाँ रहते थे। और कहा जाता है कि उन संतों के द्वारा यहाँ पर मतलब बाघ की सवारी थे उनका, और वो बाघ की सवारी कर गुफा के माध्यम से यहाँ से बाबा बटेश्वर स्थान स्नान करने जाते थे प्रतिदिन, और वहाँ से स्नान कर पुनः आकर योगी वीर पहाड़ पर आते थे। साथ ही साथ यहाँ एक इमली का बहुत बड़ा, योगीराज से सटे एक इमली का विशाल पेड़ है, जिसमें मनोकामना पूर्ण होती है। आप ईंट बांध करके उसमें मनोकामना मांगे, आपका मनोकामना पूर्ण होने पर उस ईंट को खोलने का भी नियम है, ये खोला जाता है। और बाबा योगी राज के यहाँ के प्रभाव से, कहा जाए उनके संत की सत्यता से, यहाँ माँ 18 भुजा वाली तांत्रिक दुर्गा स्थापित हुई। इसके बाद शनिदेव महाराज का स्थापना हुआ, एवं प्रकार से पहाड़ी का विकास हो रहा है। अभी ये पर्यटक स्थल के रूप में स्वीकृत हो चुका है, आगे काम इसका चल रहा है। अब वो पदाधिकारी गण आएंगे और इनका जांच कर इस्टीमेट वगैरह बनाएंगे और इसे पर्यटक स्थल घोषित किया जाएगा। यहाँ एक योगी वीर महाविद्यालय भी था, जो लगातार 1984 से चल रहा था। कुछ बाधाएं आने के कारण बीच में कुछ समय के लिए बंद हो गया था, लेकिन पुनः उस योगी वीर महाविद्यालय को कमेटी के कुछ सदस्यों को बदलकर पुनः उसे चालू करने के लिए यहाँ के संत आचार्य माई जी के अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है। उम्मीद किया जा रहा है कि इस सत्र में एडमिशन का भी कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये तो थी इतिहास की बात, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? सौंदर्यीकरण का जितना काम हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत तेजी से हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह से यहाँ पे योजनाओं का कार्यक्रम जो है, योजनाएँ धरातल पर, आकृति धरातल पर जो है सही साबित हो रही हैं। सही साबित हो रही हैं, इसलिए कि ये धार्मिक स्थल है, जो भी काम करने वाले आदमी आते हैं, चाहे वो सरकारी फंड लेकर आए या प्राइवेट फंड लेकर आए, वो यहाँ के धार्मिक स्थल से, भगवान से डर कर काम तो सही कराते हैं। जैसे एनटीपीसी के द्वारा हमारे यहाँ तालाब का निर्माण कराया गया, जो सीढ़ी घाट चारों तरफ आप अभी देख रहे हैं। इसके बाद ये बाउंड्री जो है वो भी आपका एनटीपीसी के माध्यम से कराया गया है। एक सामुदायिक भवन का निर्माण शनि मंदिर के सामने कराया गया है, जो एमएलसी मनोज यादव जी के द्वारा कराया गया है। इसके बाद आप यहां पर जहां बैठे हुए हैं, ठीक इसी के दक्षिण साइड एक पंडाल का निर्माण हुआ है, जो विधायक अमन कुमार के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले जिस समय पंचायती राज लागू नहीं था, उसके भी पूर्व ये जो सामने जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये माननीय विधायक अंबिका प्रसाद जी के द्वारा ये सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया। इसके बाद धीरे धीरे ये रोड भी बन रहा है। आज पहाड़ी को चढ़ने के लिए कोई रोड मार्ग नहीं था, लेकिन बाबा के अथाह प्रयास से आज हम लोग कहलगांव मार्ग पर 4 चक्का, 10 चक्का, 12 चक्का की गाड़ी आज योगी वीर पहाड़ी पर चढ़ रहा है। ये आचार्य माई जी महाराज के अथाह प्रयास से ये कार्य हो रहा है। यहाँ पे हर एक 31 तारीख को स्थापना दिवस मनाया जाता है। आप कितने सालों से इसे देख रहे हैं और कितनी महत्ता है यहाँ की माँ दुर्गा का? यहाँ पर माँ दुर्गा की महत्ता तो अपरम्पार है। ये मेरे
जानकारी में 19वां वर्ष का वर्षगांठ मनाया जाता है। आज के दिन ही 31 जनवरी को ही 18 भुजा वाली माँ तांत्रिक दुर्गा का विधिवत स्थापना किया गया था, इसीलिए इनको स्थापना दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष लगातार 19 वर्षों से मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ शनि देव के प्राण प्रतिष्ठा भी 30 जनवरी को हुआ था, जो उनका स्थापना दिवस कल मनाया गया और आज माँ दुर्गा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष यहाँ विशाल भंडारा का आयोजन होता है, जन सैलाब टूटते हैं और लोगों को यहाँ पर शांति मिलती है। तो ये थे हमारे साथ मंटू रजक जी, जिन्होंने बताया कि योगीवीर पहाड़ी जो है प्रगति की ओर चल चुकी है और ये गाड़ी इसी तरह चलनी चाहिए। यहाँ पे लोगों के धार्मिक आस्था का प्रश्न है और धार्मिक आस्था का प्रश्न जहाँ होता है वहाँ खुद देवी दुर्गा वहाँ पे उपस्थित होकर लोगों के मन में जितना इन्होंने बताया कि जिस तरह से यहाँ पे ईमानदारी पूर्वक कार्य हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, तो इसे हमारे तमाम दर्शक जो भी सुन रहे होंगे, अगर उनको योगीवीर पहाड़ी आने का कभी अवसर मिले तो यहाँ आकर आप देखेंगे कि कितनी भव्यता है, कितनी दिव्यता है यहाँ पर। अगले दिन किसी और अतिथि के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।